the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, मैं वकार स्वागत करता हूं आप सभी का। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूपी पीसीएल के अंदर टेक्नीशियन लाइन टेक्नीशियन की वैकेंसीज आ चुकी है। ये पीडीएफ मेरे सामने खुली हुई है, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और किस तरह से इसके आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से आपके इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ के और किस किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन के अंदर है। इसके अंदर विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। ये वैकेंसी देखिए, टेक्नीशियन लाइन के लिए ये वैकेंसी है। इसके अंदर जो टोटल अनरिजर्व्ड सीट्स है वो है 2052, ओबीसी के लिए 1107 सीटें हैं, एससी के लिए 861 और एसटी के लिए 82 सीट यहाँ पर है। तो टोटल जो सीट यहाँ पर बनती है वो टोटल सीट बनती है 4102। नीचे देखिए आप, लिखा हुआ है कि ये जो सीट है, अभी देखो ये 4102 यहाँ पर वैकेंसीज आई है, ये सीट यूपीपीसीएल अपने हिसाब से घटा सकता है या बढ़ा सकता है। तो देखो, ऐसा तो बहुत कम होता है कि सीटें घट जाए। आपने असिस्टेंट लोको पायलट में भी देखा होगा, लगभग 25,000 सीट शुरू में आई थी लेकिन बाद में उनको बढ़ाकर लगभग 60,000 के आसपास कर दिया था। तो सीट कम होने के चांस तो बिल्कुल नहीं है, सीटें बढ़ने के ही चांसेस है। कम से कम आपके पास अभी 4102 सीट है, नियर फ्यूचर में ये सीटें बढ़ सकती है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर कहा गया है आपसे कि आधार कार्ड या फिर फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास होना यहाँ पर ज़रूरी है। और देखिए, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि भाई हमारा पेपर टफ था, मेरे कम मार्क्स आए, उसका पेपर इजी था, उसके अच्छे मार्क्स आए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। आगे देखिए आपसे क्या यहाँ पर बोला गया है, इसका जो पे स्केल है ये 27,200 से 86,100 तक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है कि कौन कौन सी इसके लिए ऐसी ट्रेड है जो एप्लीकेबल है, ठीक है। अब देखो, विज्ञान संकाय यानी आपके पास साइंस होनी चाहिए 12th के अंदर, और जो ट्रेड यहाँ पर मांगी है वो ट्रेड देखो कौन कौन सी है, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन या फिर इलेक्ट्रिकल, ये आपके यहाँ पर ट्रेड्स मांगी गई है। तो जो इन चारों ट्रेड से बिलोंग करते हैं जो छात्र, जिन्होंने इनसे आईटीआई की हुई है, उनके लिए एक बहुत अच्छा चांस। और देखो, पे स्केल भी इसकी काफ़ी अच्छी है, यूपीपीसीएल की जॉब को वैसे ही काफ़ी अच्छी एक जॉब मानी जाती है। तो ये आपके यहाँ पर ट्रेड्स होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, जनरल आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज यहाँ पर है, क्योंकि इसका भी पेपर होने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई इसका पेपर ना हो, इसका भी पेपर होने वाला है, लेकिन वो जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इसके अंदर तो और भी डिटेल्स मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी के लिए देखो, अपनी ट्रेड जरूर नोट डाउन कर लेना कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए ये एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल। आगे देखो, एक थोड़ा छोटा सा यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको पोल पर, सीडी पर चढ़कर ये छोटा मोटा आपको यहाँ पर काम करवाया जाएगा। तो ये एक टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। अच्छा देखिए, इसके बाद यहाँ पर और आपसे क्या क्या कहा गया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे। आगे देखिए, आपके पास है कि एज का यहाँ पर एक बहुत अच्छा है कि एज न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल, यानी 18 से 40 साल तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। बाकी देखो, जो गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, उसके अनुसार उनको यहाँ पर छूट दी गई है। तो 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है, इसके अलावा कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 15 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान से सुन लेना, जो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको क्या बोला है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
में जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल राजस्थान से बिलोंग करते हो, यहाँ पर एसटी या एससी कैटेगरी के अंदर आप आते हो, लेकिन अगर आप यूबीपीएससीएल में अप्लाई करोगे तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, ये यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा देखिए फीस यहाँ पर दी गई है, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 700 है और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 1000 यहाँ पर फीस है। आपको ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग से यहाँ पर इसमें भर सकते हो। ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमसे क्या क्या चीज़ बोली गई है, चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब हम मेन आते हैं यहाँ पर कि क्या पूरा का पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो देखिए ये जो आपका पेपर होने वाला है, ये पेपर आपका दो भागों में होगा, ठीक है, दो भागों में आपका पेपर होगा। अवधि, इस पेपर की जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 3 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है। दो भागों में पेपर होगा, 3 घंटे की ड्यूरेशन है। पहले भाग में क्या होगा कि आपका एक कंप्यूटर का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, जो हमने शुरुआत में देखा था कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो उस कंप्यूटर का आपके टेस्ट होने वाला है। ज़्यादा टेंशन लेने की इसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर का ये पेपर है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई इन दिस पेपर। उसके लिए आपको कम से कम 20 नंबर लाना ज़रूरी है, अगर आप 20 नंबर ले आते हो तो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। और दूसरी बात कि इसका जो मार्क्स है इस पेपर के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ने वाले। बट ऐसा नहीं है कि भाई इसकी तैयारी ना करें, इसकी भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें सीखनी पड़ेगी। आप सेकंड पेपर में अच्छे स्कोर कर लेते हो, लेकिन पहले पेपर में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो तो आपका फिर सेकंड पेपर में मार्क्स स्कोर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसकी भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे देखिए, अब ये सेकंड पार्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है। इसमें देखिए आपके एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्या पूरा का पूरा पेपर का यहाँ पर रहने वाला है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी, हाई स्कूल स्तर की आपके पास यहाँ पे आने वाली है। सामान्य अंग्रेजी, इंग्लिश का थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए। 20 क्वेश्चन आपके पास जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके पास हिंदी के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपकी जो ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं 150 क्वेश्चन, और ये 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं कि 75% जो पूरा वेटेज है वो 75% वेटेज आपका अपनी ट्रेड का वेटेज है, बाकी का जो है वो केवल 25% वेटेज है। 75% वेटेज आपका अपनी ट्रेड का है। इसमें देखो आपको कम से कम 67 मार्क्स अचीव करना ज़रूरी है, अगर आप 67 मार्क्स अचीव नहीं कर पाते हो तो सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। 200 जो नंबर का ये पेपर होने वाला है, जो पेपर सेकंड है, इस पेपर सेकंड के हिसाब से ही आपकी पूरी की पूरी मेरिट यहाँ पर डिसाइड होने वाली है। आगे बोला है कि भाई 1.25 गुना, मतलब 25% एक्स्ट्रा लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो तो चलिए अलग बात है। इसके जो सेंटर है वो सेंटर है लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, यानी यूपी के अंदर इसके सारे के सारे सेंटर हैं। और कुछ एक यहाँ पर आगे और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास PDF है, जिसके अंदर हमें UPPSL के एग्ज़ाम में जो जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। अच्छा, अब इसकी डेट्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं वो 1 अप्रैल से यहाँ पर शुरू होने वाले इसके रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसके पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। और जो आवेदन शुल्क है, जो एप्लीकेशन फीस है, वो आप 2 अप्रैल से 1 मई तक जमा करा सकते हो, ठीक है।
और जो परीक्षा की संभावित अवधि है वो है मई का द्वितीय सप्ताह, यानी 15 मई तक आपकी एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो देखो, अब से आपके पास केवल 2 महीने का टाइम बचा है। आज 12 मार्च है, 15 मई मैक्सिमम यहाँ पर डेट्स आपको दे रखी है, चुनाव की वजह से अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो फिर भी मई के महीने में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि 23 मई को आई थिंक चुनाव का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद भी 7-8 दिन बचते हैं मई के महीने में, तो उस ड्यूरेशन में आपकी एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। वैसे इसमें तो बोला गया है कि मई के दूसरे सप्ताह में एग्ज़ाम ये करवा दी जाएगी। इसके अलावा आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपके पास अब से मिनिमम 2 महीने हैं, ठीक है, 2 से 2.5 महीने का आपके पास टाइम है। तो अब सवाल ये आता है कि UPPSL की वैकेंसी है, 4000 वैकेंसीज यहाँ पर आई है, काफ़ी अच्छा इसका पे स्केल है, तो किस तरह से इसकी प्रिपरेशन की जाए। देखिए, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स है, बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग्स है, या आप चाहो तो खुद से भी पढ़ के ये सब कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस तरह की आपको एग्ज़ाम निकालनी है तो आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है, कोई ऐसा हो आपके लिए जो आपको डायरेक्शन दे, आपको गाइड करे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि देखो, ITI 2 साल की यहाँ पे बोली गई है, 2 साल का, ITI में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो उन 4 सेमेस्टर का पूरा आपके सिलेबस आने वाला है। अब हम अननेसेसरी चीज़ें पढ़ते जाए जो ज़रूरी नहीं है वो भी अगर हम पढ़े, और 2 महीने में देखो इतना सारा सिलेबस कवर करना, साथ ही आपको कंप्यूटर भी कवर करनी है, आपको जनरल अवेयरनेस भी कवर करनी है, हिंदी इंग्लिश ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्डन हो जाता है। तो इस टाइम पर आपको ये सोचना है कि मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ और कितना पढ़ूँ, ठीक है। डूज एंड डोंट्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना मुझे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, सारी चीज़ें अगर पढ़ने बैठेंगे तो ITI में जो चीज़ 2 साल में नहीं पढ़ पाए वो यहाँ पे 2 महीने में हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप थ्योरी टू प्रैक्टिकल के वीडियोस को यहाँ पर रेफ़र कर सकते हो, यूट्यूब पर आपको हमारे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर हमने बताया है कि किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है UPPCL के लिए, उनकी आपको सारी की सारी प्रिपरेशन करवाई गई है। इसके अलावा देखो, अभी ALP का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे थ्योरी टू प्रैक्टिकल के कैंडिडेट्स थे जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा उन लोगों का फीडबैक आया है और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है लोगों ने इस कोर्स को। तो आप अपना आसपास का अगर कोई भी आपका दोस्त है जिसने थ्योरी टू प्रैक्टिकल से असिस्टेंट लोगों पायलट की तैयारी की है, आप उससे फीडबैक ले सकते हो, आप हमारे वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो। देखिए, इस PDF के बारे में या इस नोटिफिकेशन के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आप अपना नाम, अपनी सिटी, अपनी ट्रेड और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसके रिजोल्व करेंगे। और जो हमारा कोर्स है उस कोर्स के अंदर आपको अपनी पूरे के पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर का कंप्लीट आपको वीडियो मिलने वाला है, कंप्लीट जो भी उसका कंटेंट है वो कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी ITI लेवल की एग्ज़ाम्स हुई है, चाहे आप असिस्टेंट लोगों को पायलट ले लीजिए या जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में राजस्थान, MP, वेस्ट बंगाल, इनके अंदर जो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स होती है उनके सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। ज़रूर इसको लिए अप्लाई आप कीजिए अगर आप एलिजिबल हो, और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।